हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मेरा बेटा कबीर अपने दांतों को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। उसे अच्छा लगता है कि उसके दांत एकदम क्लीन हो, उनमें कोई कैविटी नहीं हो और वो स्पार्कलिंग वाइट दिखे, ताकि जब वो स्माइल करे तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। इनफैक्ट जब हम लोग अपने डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं तो कबीर इज़ द ओनली वन जिसको डेंटिस्ट से भी गुड जॉब मिलता है, और इसके लिए कबीर ने और हमने मिलके मेहनत भी बहुत करी है। लास्ट कुछ साल से अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कबीर ने कभी भी ब्रशिंग को रिजिस्ट नहीं किया। उसे ब्रश करना अच्छा लगता है, उसे ये समझ आता है कि अगर वो ब्रश नहीं करेगा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, जिससे कि उसके दांत गंदे दिखेंगे और उनमें पेन होगा, जिसका मतलब है उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर ज़्यादा पेन होगा। इनफैक्ट उसको ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर वो ब्रश करेगा और अपने दांतों को मेंटेन करेगा तो वो जो भी चाहे खा सकता है, विच इज सो एम्पावरिंग फॉर अ चाइल्ड। सो गाइज, एज अ पेरेंट मैं आपको ये टिप दूंगी कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप बच्चे को एक अच्छा टूथब्रश दीजिए जो उसकी चॉइस का हो, ताकि उसे ब्रशिंग में मजा आए। ब्रशिंग एज एन एक्टिविटी को दो बार कीजिए और उसको थोड़ा फन बनाइए। इनफैक्ट बच्चे के साथ ब्रश कीजिए ताकि उसको ब्रश करना इंटरेस्टिंग लगे। एंड आपका रोल है बच्चे के लिए सही टूथपेस्ट चूज करना, ताकि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो और सेफ भी हो। हमने लास्ट कुछ सालों में काफ़ी सारे टूथपेस्ट यूज़ किए हैं एंड वी हैव बीन वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। मैं जो लेटली यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज अब कबीर के दांतों में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब उसके बेबी टीथ गिरेंगे और परमानेंट टीथ आएंगे, तो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो गम्स हैं और जो उसके टीथ हैं उसको मैं सूद कर सकूँ, ताकि उसको एक अच्छा इफेक्ट मिल सके। तो लास्ट 6 months से हम जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है ये लवलैब नेचुरल्स बेबी डेंट टूथपेस्ट, जो आप 1+ ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चों पे यूज़ कर सकते हो। ये जो टूथपेस्ट है इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है और कोई SLS नहीं है, मतलब ये बच्चों के रोज़ यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ है। ये 2 flavors में आता है, एक है बबल फ्रूट और एक है स्ट्रॉबेरी। ये दोनों ही टूथपेस्ट 100 grams के हैं। ये 50 gram के वर्जन में भी आता है, तो अगर आपको छोटा साइज चाहिए तो आप छोटा ले लो, बिकॉज अभी तक भी हम कबीर के लिए बिल्कुल एक पी साइज अमाउंट ही यूज़ करते हैं। उसके 20 दांत हैं तो 20 दांत में पी साइज अमाउंट आराम से निकल जाता है। अगर आपके बच्चे के कम दांत हैं तो और कम क्वांटिटी में आप आराम से बच्चे के दांतों को क्लीन कर सकते हैं। मुझे इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा एलोवेरा बेस्ड फॉर्मूला। तो एलोवेरा बेस्ड फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जैसे आप उसे माउथ में लगाते हो, अच्छे से ब्रश करते हो, तो आपके दांतों को, आपके गम्स को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है, जो इस टाइम पे बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। ये बिल्कुल सेफ है, अगर बच्चा इसे इंजेस्ट भी कर ले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को रिंसिंग सीखने के लिए। अब जैसे कबीर ब्रश करता है तो वो अच्छे से रिंस करता है और पानी से सारा टूथपेस्ट बाहर निकाल देता है, बट अर्लियर ईयर्स में वो टूथपेस्ट को इंजेस्ट कर लेता था। और इसीलिए एज पेरेंट्स हमारा रोल है चाइल्ड फ्रेंडली टूथपेस्ट ही बच्चे को देने का। ऑल्सो मैंने इसमें ये चीज़ देखी है कि जैसे वो चॉकलेट खाता है या वो कोई ऐसा खाना खा रहा है जो उसके दांत में फंस गया है, तो जब हम रात को ब्रश करते हैं तो ये टूथपेस्ट बहुत अच्छे से दांतों को क्लीन कर देता है। कोई प्लाक वगैरह हो तो वो भी रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होने देता, कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है। सो दैट मीन्स मुझे काफ़ी पावरफुल लगा। ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि अगर ये टूथपेस्ट बच्चा 2 बार यूज़ करे, मॉर्निंग में रात को, और अच्छे से पूरे 2 मिनट लगा के ब्रश करे, तो उसको डेफिनेटली मिलेंगे व्हाइट और कैविटी फ्री टीथ, विच आई थिंक एवरी किड वॉन्ट्स। किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है कि उसके दांतों पर कुछ ब्राउनिश आ जाए या उसको कैविटी हो और उसकी वजह से उसे पेन हो। तो इन दोनों टूथपेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला 50 ग्राम में भी अवेलेबल है, 100 ग्राम में भी अवेलेबल है, क्योंकि दोनों का फ्लेवर बबल फ्रूट और स्ट्रॉबेरी है, तो एक बड़ा स्वीट सा फ्लेवर है इसका, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को स्वीट ही अच्छा लगता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें ब्लैंड अच्छा लगता है। सो डू ट्राई इट आउट गाइज, हु नोज दिस इज द टूथपेस्ट योर चाइल्ड नीड्स टू हैव दोज वंडरफुल टीथ। आने वाले दिनों में आपसे मिलेंगे और वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। Bye-bye.